नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमर जा में। इस वीडियो में हम दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा 2024-25 का मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का दिनांक 29 जुलाई 2024 का क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के उपस्थित हूँ। हमें दिया है आज का सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। तो इसको करने से पहले प्यारे बच्चों, कुछ हमें बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए, जो कि कौन सा दो से मतलब विभाजिता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, दो का, तीन का, फिर पांच होता है, सात का भी होता है, लेकिन हम बाद में सिखाएंगे, दो तीन पांच और 11 का। ये चार यदि आपने याद कर लिया तो लगभग 80% सवाल आप आसानी से हल कर सकते। तो दो का नियम ये है, जो देख के ही पता चल जाता है, यदि वंस प्लेस जिसको इकाई अंक कहते हैं, यदि वहाँ पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये 2 से विभाजित हो जाता है। इसी तरह 5 का नियम है, जो इकाई के स्थान पे यानी वंस प्लेस पे 0 या 5 हो। अब 3 का नियम कहलाता है सभी अंकों का योग तीन से विभाजित हो। यानी जितने भी अंक हैं सबको जोड़ देंगे तो वो यदि 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो। अब 11 का नियम होता है सम स्थान और विषम स्थान, जैसे 2, 3, 5, 7, 8 दिया हुआ है, तो ये नहीं पता हमें जो कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये देखेंगे, एक ऊपर नीचे इस तरह से सम और विषम स्थानों को, ऑड इवन प्लेस को हम अलग अलग सम करेंगे। अब जैसे 2, 5 और 8 को प्लस किए तो 2, 5, 7, 8, 15 हो गया, और ये 7 और 3, 10 हो गया। तो यदि सम स्थान और विषम स्थानों का योग का अंतर, अब ये जैसे ये 5 है, यहाँ पे एक और 5 होता तो ये इसके साथ जुड़ जाता, तो 10 और 5, 15 हो गया। तो 15 और ये भी 15, यदि दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो रहा है। अब जैसे 5, 2 ये संख्या आप देखिए, ये दोनों का जोड़ 15, 15, यानी अंतर 0 है, तो ये 5, 11 से विभाजित हो जाएगा। आप देख ले सकते हैं 5, 2, 3, 5, 7, 8 है। अब 11 से देंगे, 11 चौक 44 आया, 8 पर 3 11 सत्ते 77 आया, 7 6 13 छः आया, 6 पर 5 आएगा, तो 11 55 आया, 10 10 पर 7 11 सत्ते 11 99 अब आया, ये आएगा 8 और फिर आया 8 11 88, तो यानी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। 88 में 88 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये सवाल की तरफ चलें, तो सवाल दिया है 7429। अब यहाँ देखिए, इसमें कोई भी जैसे 2 से तो ये कट नहीं रहा, 3 से कटने के लिए 7, 4, 11, 2, 13 और 9 22 हुआ, जो 3 के टेबल में नहीं जा रहा है।
पाँच से तो जाएगा नहीं, सात का नियम होता है इधर से एक संख्या घटाइए। अब जैसे 7 4 2 और 9 2 18 घटाएंगे तो ये हो गया 8 4 12 और 4 का डबल करेंगे, 8 इधर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 72 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 64, जो 7 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो यानी 7 से ये विभाजित नहीं होगा। 11 का भी नियम हम देख लेते हैं, ये 9 9 और 4 13 को जोड़े, 9 और 4 13 होता है, 2 और 7 9 होता है, तो अंतर 13 में से 9 गया तो 4 आए, तो ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। अब 13 से हमें देखना पड़ेगा, 13 से हमें देखना पड़ेगा, 7 4 2 9 13 से भी ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 13 5 65 और आया आपको 9 और 2, 13 7 91 और फिर 1 और 9, ये नहीं जा रहा। 13 के बाद 17 आता है प्राइम नंबर, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 4 2 9 17 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 17 5 85 होता है, 17 4 68। अब ये आया 6 और 2, 17 3 51, अब 11, 17 7 119, तो यानी ये 13 से 17 से जाएगा तो 437 आया। अब 437 को 17 के बाद आता है 19, 19 से देखेंगे, 19 2 38, ये 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 19 3 57, तो 19 से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपको 23, 23 एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 7 4 2 9, तो इसका आ जाएगा 17 19 और 23, इस तरह में तो आपको डिवाइड करना होगा। अब आते हैं 5005 में, देखते हैं 5005। अब देखिए ये वंस प्लेस पे 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, तो 1001 आया। अब 5 के बाद 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो 3 2 आता है। अब 9 11 से देखते हैं वंस प्लेस पे, इवन और ओड प्लेस पे हम जोड़ते हैं तो 1 1 आया, तो अंतर 1 - 1 यानी 0 आ गया, तो यानी 11 से जाएगा, 11 से यहाँ पे डिवाइड किए तो 11 9 99, अब आया 1 पर 1, 11 1 11। अब ये 91 आपको पता है, जो कि 7 के पहाड़े में 13 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, तो इस तरह से 5005 बराबर आ गया 5 × 7 × 11 × 13, तो ये सारे प्राइम नंबर, तो इस तरह इसको लिखना है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।